दूसरों को वक्त देने से अच्छा है ये वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। किसी के साथ चाहे कितना भी लॉयल रह लो, आखिर में बात औकात तक आ ही जाती है। भरोसा टूटा है, उम्मीद टूटा है, किसी ने साथ छोड़ा है, धोखा दिया है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आज मैं आपके दर्द को आपकी ताकत बना दूंगा। सुनकर बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपने तो गलती की है। ये दुनिया अच्छे लोगों का बस इस्तेमाल करना जानती है। कहते हैं जो बुरा करता है अक्सर उसके साथ बुरा होता है, लेकिन जिंदगी का असूल तो कुछ और है। बुरा उसके साथ होता है जो दूसरों के साथ अच्छा करता है। आप याद करो उन दिनों को जिसका साथ पाकर आप पूरी दुनिया को भुला देते थे, जिससे बातें करके आपको वो खुशी मिलती थी कि जन्नत भी छोटा महसूस होए। पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन वो नहीं। प्यार में खुदा बनाया था जिसको, उसने आपके प्यार का, आपके भोलेपन का, अच्छाई का इस कदर जवाब दिया कि आज आपकी खुशी भी छिन गई, दिल खामोश हो गया। गलती किया है आपने। जो वक्त खुद को देना था वो दूसरों को दिया। जो प्यार खुद से करना था वो एक गैर से किया। जो भरोसा खुद पर होना चाहिए था वो दूसरों पर किया। आज वो आपको छोड़कर किसी और के साथ है, और आप उसे बताना चाहते हो वो इंसान सही नहीं है, आप सही हो उसके लिए। गिड़गिड़ाए हो ना आप उसके सामने, मांगे हो ना भीख बात करने की। क्या लगता है आपको, क्या उसे पता नहीं है उसके लिए कौन सही है और कौन नहीं? असल में ये दुनिया मतलबी है। मतलब के सारे रिश्ते, मतलब के सारे दोस्त, प्यार में भी मिलावट है। सिर्फ माँ बाप के प्यार को छोड़कर ये दुनिया गोरे काले पर बाद में विचार करती है, पहले पैसा देखती है। आज जो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आप भी बदले में इग्नोर करके देखो। वो ऑनलाइन रहकर अगर 2 मिनट बाद रिप्लाई करता है तो आप भी 4 मिनट बाद करो। प्यार की कद्र बाद में, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले। याद रखना, जिसके लिए आप हर टाइम अवेलेबल रहोगे वो कभी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। और यही गलती तो आपने किया है, शायद आज भी कर रहे हो। जब तक सामने वाले को यह एहसास नहीं होगा कि आपके लाइफ में उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ है, तब तक वो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। छोड़ के जाने वाला भी वापस आ सकता है आपके लाइफ में, बस देरी है आपके कुछ ऐसा करने की जो उसका दिमाग हिला दे। जिसने जाने का मन बना लिया है वो आपके अंदर 1000 गलतियां देख लेगा और आपको छोड़ जाएगा, क्योंकि उसे अब फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके आंसुओं से। क्यों रोते हो आप? क्यों सोचते हो कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा? अगर है हिम्मत तो आंसू पोछो और जिंदगी में आगे बढ़ के दिखाओ। वो मुकाम हासिल करके दिखाओ कि कल जब उसे आपके बारे में पता चले तो उसके होश उड़ जाए। किसी और के साथ रहकर भी वो आपके जीवन में आना चाहे, जरा सोच कर देखो उस समय आपके अंदर फीलिंग क्या होगी जब वो अपने मुंह से आपकी तारीफ करेगा, आपके साथ किए उन सारे गलतियों की माफी मांगेगा। हासिल कर पाओगे ऐसा मुकाम? है आपके अंदर हिम्मत? अगर है तो कमेंट में लिखो, दिखा देंगे उसे उसकी औकात, उसने जीवन में क्या खोया है। अगर नहीं है हिम्मत तो जाओ जाकर रोते रहो किसी कोने में, क्योंकि रोने के अलावा आप और कर भी क्या सकते हो? छोड़ दिया है उसने आपको एक नाकामयाब इंसान समझकर। उसे पहले ही पता चल गया था कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ वो ही नहीं, कोई नहीं चाहेगा किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना जिसे अपने लाइफ की फिक्र ही नहीं है। हर कोई अपना भविष्य अच्छा चाहता है, तो फिर आप ही सोचो ना, आपको तो फिक्र नहीं है अपने भविष्य की, 24 घंटा बस किसी एक शख्स के ख्यालों में डूबे रहते हो, तो फिर क्यों कोई आपके साथ रहकर अपना भविष्य खराब करेगा? समझ जाओ, अभी वक्त है, ध्यान दो अपने भविष्य पर। मानते हैं वक्त फ्री में मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है इसे यूं ही लुटा दोगे किसी पर। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, दूसरों को वक्त देने से अच्छा है ये वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, कभी रोना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने आपके साथ गलत किया आप भी जाकर उसके साथ गलत करो। मैं चाहता हूँ आप खुद के साथ अच्छा करो, खुद के बारे में सोचो। बदला ऐसे भी लिया जाता है किसी के साथ, उससे आगे बढ़कर, खुद को कामयाब बनाकर। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, आप क्या सोच रहे हो। आप तो बस उसे जीवन में वापस लाना चाहते हो, जीवन भर उसका साथ पाना चाहते हो, लेकिन आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और सच क्या है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उसने तो आपके बगैर रहना सीख लिया है। ये आप हो जो उसके लिए तड़पते हो, वो नहीं। खुद का काम अधूरा रखकर उसे वक्त दिया, उसे पूरी दुनिया माना, लेकिन उसके लिए तो बस आप एक मामूली इंसान हो।
माफ करना अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो तो। मेरा मकसद ये सब बताकर आपको और उदास करना नहीं है, मैं बस आपके अंदर से वो आवाज निकालना चाहता हूं, बदले की आवाज, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। मैं चाहता हूं आपके अंदर से वो आवाज आए कि जिसने धोखा दिया है, गलत किया है, उसे कल एहसास जरूर होगा कि उसने किस हीरे को खोया है। ये वक्त बताएगा, आपकी सक्सेस बताएगी आप क्या चीज हो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो इसे लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।